हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मैजिक ऑफ मेंटर्स में। मैं हूं पंकज और गाइस आ चुके हैं आज हम लोग फिर एक नए वीडियो में और स्वागत है आपका नए वीडियो में। और गाइस आई होप आप लोग का दिवाली बहुत ही अच्छा बना होगा और हम लोगों ने बहुत फटाके फोड़े। और गाइस जब तक फटाके बनेंगे तब तक हम लोग फोड़ेंगे, क्योंकि हमारे श्री रामचंद्र अयोध्या वापस आए थे श्रीलंका से सीता मैया को लेके। और गाइस तो आज हम लोग दिवाली का एक ठन छोटा सा कार्यक्रम और करेंगे। आज हम लोग क्या करेंगे गाइस, आप लोग मतलब इस अनारदाने से हम लोग ताला को तोड़ने वाले थे, लेकिन वो छोटे से ही काम चल गया। लेकिन अगर इससे जलाते तो वो पूरा एक ही बार में खत्म हो जाता। अब गाइस हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग लेंगे एक मतलब कांच के टुकड़े हुए हैं, उस कांच के टुकड़े को लेंगे और गाइस हम लोग देखेंगे ये अनार उस कांच के टुकड़े को पार कर पाता है या नहीं। तो चलिए गाइस इस अनार को उसके नीचे लगाते हैं और देखते हैं क्या होगा। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पर लगा लिया 50 लेयर, मतलब आप लोग देख सकते हैं कई छोटे छोटे पीसेस हैं। हम लोगों ने इसे मतलब एक दुकान से मांगा है जो हमारे दोस्त का था। अब गाइज हम लोग क्या करेंगे, अनार को सीधे से हम लोग जलाने वाले हैं और जलाने के बाद गाइज देखेंगे ये कांच को तोड़ पाता है नहीं, या कितने कांच को तोड़ पाता है। अगर तोड़ता है तो सही, अगर नहीं तोड़ता है तो इसकी पावर बहुत कम है। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं लगभग इसने 3 से 4 लेयर, आप लोग देख सकते हैं नहीं लगभग लगभग 7 लेयर तक इसे तोड़ दिया, और बाकी कांच ये पूरी तरह गिर चुके हैं। और आप लोग देख सकते हैं ये पूरी तरह से गल गया है और हमारा अनार वहीं पर है। वो गाइज बहुत ही अमेजिंग था ये। अब गाइज हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने अब कांच को कम कर दिया। अब हम लोग क्योंकि इसका रिएक्शन देखना चाहते हैं कि ये कितना मतलब ऊपर तक चीर पाता है लोग, मतलब इतना ही तो चीरा था उसने लगभग, ये भी लगभग 12 से 15 पीसेस है। अब गाइज हम लोग इसे जलाते हैं, जलाने के बाद इसका रिएक्शन देखेंगे ये पूरी को जला पाता है या नहीं जला पाता है। वो पूरा कांच जुड़ चुका था, मैंने उसे आप लोगों को दिखाया नहीं, लेकिन अब देखते हैं गाइज क्या होगा। तो गाइस हम लोगों ने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब हुआ गाइस आप लोग देख सकते हैं इसने लगभग 5 लेयर तोड़ दिए हैं। 5 लेयर तोड़ने के बाद ये जो आधे जो बड़े बड़े पीस थे ये आधा बच गया और हमारा अनारदाना वेस्ट हो गया। हम लोगों ने सोचा था बहुत ही कमाल का रिएक्शन होगा, लेकिन ये जो रिएक्शन था नहीं हो पाया सही ढंग से। आप लोग जो फर्स्ट रिएक्शन देखा था वो बहुत कमाल का था। और गाइस जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि कांच जुड़ जाते हैं, लेकिन इसमें हुआ ये कि जो पांच से मतलब सात जो पीसेस थे वो लगातार एकदम जलने के कारण ये टूट गए और ऊपर बैलेंस नहीं हो पाया तो ये गिर गया। और कमाल का रिएक्शन आप लोग छूट गया, लेकिन जो आप लोगों ने इसे पहले ट्राई में देखा होगा वो बहुत ही कमाल का रिएक्शन था और आई होप वो आप लोग को बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने 2 अनारदाने को ट्राई किया और पहले में रिएक्शन बहुत ही कमाल का और सेकंड में भी अच्छा ही आया, लेकिन उतना खास नहीं आया। अब गाइज हम लोग थर्ड बार में क्या करने वाले कि एक अनार तो नहीं चक्री लेने वाले, जो चक्री होता है हम लोगों ने उसे पूरा सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद गाइज हम लोग क्या करेंगे उसे इसमें डायरेक्ट जलाने। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं इसने ज्यादा नहीं चार पीसेस थे हम लोगों के टुकड़े थे वो 4 पीसेस को ये तोड़ पाया, उससे ज्यादा नहीं तोड़ पाया, उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं थी। गाइज आप लोग देख सकते हैं
अब गाइस इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म करने का टाइम हो गया है। तो आई होप आप लोग को हमारा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा गाइस। तो गाइस चलते हैं अगले अमेजिंग वीडियो में, फिर से मिलेंगे। एम करते हैं गाइस 30 लाइक का, गाइस 30 लाइक।